2004 से इसको रन लेकिन हम जो है पहली मरतब आए हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा खाना, श्रीनगर कोई भी आए बहुत मजे का, हाँ बहुत मजे का खाना और सर्विस भी बहुत अच्छी, हाँ लाजवाब खाना है, हाँ बहुत अच्छा खाना है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ हम श्रीनगर में स्टे किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर जो ये रेस्टोरेंट है सनसेट बोलवार रेस्टोरेंट में हमने आज लंच किया है। खाना बहुत ज़बरदस्त थे, अच्छा खाना है, वो एक मतलब ज़रूर है और खाना खाए इंशाल्लाह रहमान से बहुत अच्छा लगेगा। वेज नॉन वेज दोनों बहुत शानदार हमने आज लंच किया है। Actually, this place serves the best food with authentic taste in Kashmir. I am not even kidding. You have to come here for lunch. You won't regret. यहाँ जगह जगह आपको अखरोट और सेब की भरमार मिलेगी। माशाल्लाह ये लोग रोड पर इस तरह बैठे होते हैं जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह ठेलों से भर भर के मूंगफली बिकती है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ अखरोट बिकता है और अखरोट दिखता है। तो माशाल्लाह यहाँ अखरोट ला तादाद है माशाल्लाह, अल्लाह और खैर बरकत दे। ये क्या भाव बता रहा हूँ? पेड़ में से जब टूटता है तो ऐसा होता है हरा, और फिर उसको आप काट लेते हो छुरी से। आए काटिएगा मेरे सामने जैसे हम कैरी काटते हैं ऐसे चुरी से आराम से। आम कैरी तो नहीं आता होगा, नहीं आता कैरी का सोना।
आम कच्चा आम, कच्चा आम आता है लग पेड़ों में, नहीं पेड़ बाहर से आता है, हमारे यहाँ पेड़ होते हैं उसके, हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ होते हैं। और अमरूद ये नहीं 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 आता हमारे यहाँ, सेब नहीं होगा, ये नहीं होगा अखरोट। गाइज़ आपने देखा यहाँ कितना अखरोट पैदा होता है माशाल्लाह, यहाँ जगह जगह सेब के अखरोट के दरख्त मिलेंगे, सड़क किनारे लगे हुए मिलेंगे, और यहाँ रोड पर इस तरह ये लोग बैठते हैं पूरी पूरी फैमिली के साथ, और हमारे सामने ही अखरोट से छिलका उतारते हैं और गिरी निकालते हैं, और यहाँ तक कि जो अखरोट के ऊपर एक कवर होता है जो हमें बिल्कुल केरी की तरह सॉफ्ट लग रहा है वो भी ये लोग निकाल रहे हैं, और उसके बाद अखरोट निकलता है, और फिर उसके बाद अखरोट को भी छील कर उसकी घिरी निकाल देते हैं। तो जिसने अखरोट साबुत ख़रीदना है वो वैसे ख़रीद सकता है, और जिसने उसकी घिरी ख़रीदनी है वो घिरी ले सकता है, और ये इनकी वाइफ, इनका बच्चा और उनके हैं सब मिलकर पूरी फैमिली यहाँ बैठकर सारा काम करते हैं ये लोग, और सारा दिन यहाँ पर अखरोट बेचते हैं, और ये पूरी पूरी फैमिली इस तरह बैठी होती हैं चौराहे पर, और ज़बरदस्त इनका स्टैमिना है सारा ये तोड़ने का और बच्चों को लेकर यहाँ बैठने का, सारा दिन काम करने का। इसी तरह सारे रास्तों में हमें अखरोट के और सेब के दरख्त नज़र आते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह फुल भरे हुए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अखरोट और सेब भरमार दिए हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह इनको और सेहत तंदरुस्ती दे, ताकत दे, बरकत दे इनके काम में, कि ये लोग बहुत ही लगन और दिल और ईमानदारी से काम करते हैं। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और उसके साथ ही हमारी लाइव अपडेट्स भी आपको मिल सकें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर कुछ मुझे सजेशन देना है तो प्लीज़ कॉमेंट्स कर दीजिएगा। ये देखें आप किस तरह सेब और अखरोट यहाँ पर माशाल्लाह भरमार पैदा होते हैं, अल्लाह खैर व बरकत अता फ़रमाए। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, आप सबके सपोर्ट से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपकी दुआएं साथ रहीं तो इंशाल्लाह हम आगे तक भी साथ ही चलेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में स्पेशली मुझे ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।